हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अत्याधुनिक हथियार देखने रोमांचित हुए स्कूल विद्यार्थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में वायुसेना स्टेशन जोधपुर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूल विद्यार्थियों के लिए वायुसेना को नजदीक से जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों के नजदीक से सेना की कार्य प्रणाली जानने व हथियारों को देखने का मौका मिला। प्रदर्शनी देखने के लिए 2 दर्जन से अधिक स्कूलों के करीब 2000 बच्चों को आमंत्रित किया गया। इसी मौके पर वायुसेना के बैंड ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। वायुसेना ने शुक्रवार को स्कूली विद्यार्थियों के लिए वायुसेना जोधपुर स्टेशन में अत्याधुनिक हथियार व विमानों का प्रदर्शन किया। इन स्कूली विद्यार्थियों को वायुसेना के अधिकारियों ने लड़ाई में काम आने वाले लड़ाकू विमानों के साथ की अत्याधुनिक हथियारों के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्हें वायुसेना में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने भी उत्साह से यह विमानी व हथियारों के साथ तस्वीर खिंचाई और उनके बारे में जानकारी हासिल की। प्रदर्शनी में लड़ाकू विमान सुखोई MiG-27 और रुद्र व दुर्ग हेलीकॉप्टर प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी में वायुसेना के हथियार भी रखे गए। इनमें ऑटोमेटिक हथियार, फ्लिस्टर राइफल, रॉकेट लॉन्च इत्यादि थे। बच्चों ने वायुसेना से सवाल जवाब भी किया और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। बता दें कि वायुसेना इन दिनों स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। शुक्रवार को जहां वायुसेना के नजदीक से जानो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं शनिवार को मनमोहक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। यह संध्या दक्षिण पश्चिम वायुक्रमा के बैंड द्वारा सम्राट अशोक उद्यान में 7 बजे आयोजित की जाएगी। शहर के सभी नागरिकों के लिए यह प्रदर्शन निःशुल्क रहेगा। यह कार्यक्रम भी स्थानीय जनता को भारतीय वायुसेना के बारे में निश्चित एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।